अच्छा मैं ना आप सभी लोगों को होटल का जो फैक्ट होता है ना वो मैं आप लोगों का शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा हो चुका है। आप लोगों ने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए गए रहेंगे जहाँ पे कि आपको ट्रायल भी देना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग किचन में अगर काम करते हैं तो कभी कभी ना अपने को इंटरव्यू भी देना पड़ता है, ट्रायल भी देना पड़ता है, तो कंपलसरी है। पर वहाँ पे एक चीज पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पनीर चिली मारते हो या दाल तड़का मारते हो तो उसमें कितना गरम गार्लिक जाता है बराबर। मैं तो ये मान लिया कि चलो गार्लिक मतलब वेट करके जाता है, पर आपको एक बात पता है सिर्फ इंटरव्यू तक ही वो बात रहती है कि इतना ग्राम तक गार्लिक जाता है, चाहे पनीर चिली हो या उसके बाद में दाल तड़का हो उसमें गार्लिक तो जाना कंपलसरी है। और उसमें एक और चीज पूछते हैं कि तंदूर में कितने ग्राम का आटा रहता है एक रोटी का, मतलब एक रोटी अगर मार रहे हो तंदूरी रोटी तो उसमें कितने ग्राम का आटा रहता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि इंटरव्यू तक ही वो बातें रहती है, पर आपको एक बात बताता हूँ कि क्या आपको लगता है कि अगर हमारे क्राउड में ज़्यादा क्राउड है अपने होटल या किचन में ज़्यादा क्राउड है तो क्या आप रोटी को वेट कर 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 तंदूरी रोटी मारोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पनीर चिली मार रहा हूँ तो क्या मैं गार्लिक को वेट करके पनीर चिली मारूँ? इसी वजह से ना मेरे को एक शेफ जो है जो कि बहुत बड़े शेफ थे उनके वजह से मतलब मेरा और उनका दोनों आदमी का बहस हो गया। उन्होंने बोला कि नहीं आपको हर टाइम पे ही आपको गार्लिक को एक अंदाजा बैठाओ कि आपको इतना ही ग्राम। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं अंदाजा बैठा के, पर वो बोलते हैं कि नहीं आपको वेट कर करके हर चीज़ में आपको जैसे गार्लिक हो गया पनीर चिली में आपको हमेशा वेट करके डालना पड़ेगा। अरे भाई आपको मालूम है हम इतना साल से काम कर रहे हैं तो क्या आपको पता नहीं रहेगा कि कितना एक पनीर चिली में कितना ग्राम गार्लिक जाएगा? तो उनको लगता रहेगा कि मैं उनका मजाक उड़ा, पर मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी रनिंग होटल हो चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे ढाबा हो वहाँ पे ना अपने हिसाब से, क्योंकि कोई भी शेफ आता है अगर काम सीख के ना तो उनको हर चीज़ का नॉलेज अच्छे से मालूम रहती है कि मेरे को इस चीज़ में इतना ग्राम गार्लिक इतना ग्राम सॉस को ऐड करना पड़ता है। तो आप लोग इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो मेरे को आइडिया नहीं है, पर मैं कभी भी जो भी डिश बनाता हूँ उसमें कभी भी कोई भी चीज़ वेट करके मैं नहीं डालता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे को कैसे खाना बनाना है और कैसे नहीं खाना बनाना है। तो आप लोग मेरे बात से एग्री करते हो तो आप लोग कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करना कि नहीं ये राइट बोल रहा हूँ कि रॉन्ग बोल रहा हूँ। मेरे को ये बात मेरे को मालूम है कि अगर इंटरव्यू में जाता हूँ चाहे ट्रायल पे जाता हूँ तो जहाँ पे वहाँ पे एमडी हो चाहे एग्जीक्यूटिव चाहे कोई भी एचआर हो चाहे शिव शेफ हो चाहे मास्टर शेफ हो, लोग इंटरव्यू में पूछते कि पनीर चिली में कितना ग्राम गार्लिक जाता है, दाल तड़का में कितना ग्राम, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिश में जैसे मान के चलो मेरे को पिज्जा ही बनाने का पिज्जा बेस का कितना ग्राम का और जो पिज्जा बेस का आटा होता है उसको कितना ग्राम का रहता है तो मेरे को मालूम है। पर रनिंग टाइम पे थोड़ी ना मैं वेट करके दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे को अंदाजा है ना कि नहीं मैं इतना ग्राम लूँगा मैदा हो उसमें मेरे को एक पिज्जा बेस बन जाएगा। तो मैं यही बोला तो वो भड़क गया था, पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में, मेरे को आइडिया नहीं है, पर मेरे को मालूम है कि मेरे को कैसा काम करने का है। तो आप लोग भी मेरे को मालूम है आप लोग भी वेट करके नहीं देते रहोगे रनिंग के होटल पे, जैसा रनिंग का ऑर्डर रहता है किसी भी रनिंग होटल में रहोगे आप रनिंग का ऑर्डर रहता है क्या उसमें वेट करने के जाओगे? तो फिर कस्टमर बोला मेरा ऑर्डर कैंसिल करो मेरे को नहीं खाने का बहुत टाइम हो गया मेरे को जाना है कहीं और जगह। तो बस मेरे को यही बात है आप लोगों से बात करने का मन किया, तो आप लोगों से मेरी बातें आप लोगों से शेयर किया, पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगे कि बुरी लगे, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने ये फैक्ट बताया होटल के सच्चाई है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती रहेगी तो सब जगह शेयर करो हर होटल में रेस्टोरेंट ढाबा हो किधर भी। चलो बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखना, क्योंकि मेरे को बात करने का मन किया आप लोगों से बात करने को आ गया। ओके सर सॉरी।